आपके चैनल के माध्यम से उसको बता चुका हूँ, एक बार फिर उनको रिपीट कर रहा हूँ। एक तो ये लाभार्थी योजना है जो एक अंडर करंट काम कर सकती है, दूसरा महिला सुरक्षा, ये बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। और इस महिला सुरक्षा के अंदर जो एक साइकोफियर है, जिसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक डर, ये मनोवैज्ञानिक डर किस तरह से पैदा किया गया कि समाजवादी पार्टी क्या जो पिछली सरकार थी उसका लॉ एंड ऑर्डर का जो आता और हुंडई दिखा के प्रभाव पैदा करना चाहता, वो एक साइकोलॉजिकल वोटर को प्रभावित कर सकती है। नंबर थर्ड, मायावती का बहुत ही लो प्रोफाइल होकर चुनाव लड़ना, और चौथा ये कि इस ओवरऑल चुनाव के अंदर मोदी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ये चार मुद्दे अगर हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये हो सकते हैं। लेकिन ये कहना कि हिंदुत्व लड़ाया गया, ये हिंदुत्व नहीं था, बल्कि अगर कोई फैक्टर काम कर रहा था तो वो संप्रदायिकता तो हो सकती है। तो मान लीजिए वो भाजपा का हिंदुत्व हो सकता है, कोई अभिनंदन जी उस पर मोहर नहीं लगा देंगे, असली हिंदुत्व तो यही है, हर आदमी का हिंदुत्व को लेकर नजरिया भी है। ठीक है बिलाल साहब, बहुत बहुत खूबसूरती के साथ में आपने कहा, और यही आपकी अदा हमारे दर्शकों को पसंद भी आती है। डॉक्टर अविनाश सिंह जी, अब सभी को आपने सुना, इसीलिए हमने रखा कि भाई आप डेटा एनालिस्ट हैं, और डेटा के मिलके आपकी हमारी एक मुलाकात पहले भी है, और हम लोग काफी चर्चा कर चुके थे डेटा में। तो अब क्या कहता है आपका डेटा, क्योंकि जो डेटा जो आम हो चुका है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है, वो तो भाजपा को सिंहासन दे रहा है। एक दो चार लोग हैं, देश बंधु है, धर्मेंद्र सिंह जी हो गए, इसी तरह के एक दो लोग हैं जो थोड़ी उम्मीद के लोग बंधाए हुए हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग अब जगह जगह मतगणना केंद्रों के बाहर जीत का मंजीत लिए काट रहे हैं, बजा रहे हैं कि भाई रात अभी बाकी है और सुबह आएगी, इस उम्मीद में। अविनाश सिंह जी, सर दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे रहे इस पूरे चुनाव के अंदर। मैं बिलाल जी के दो बातों से, मतलब दो बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। एक बात उन्होंने जो कहा कि सुरक्षा का मुद्दा जो रहा, देखिए उत्तर प्रदेश को आप पूरे एक
से गाजियाबाद तक का आप चलिए, चाहे रोड से गोरखपुर तक आप चलिए, तो आप देखेंगे कि हर रीजन में मुद्दे बदल गए हैं, और जो रीजन वाइज मुद्दे बदले हैं उस पे वोटिंग हुई है। सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, दूसरा लाभार्थियों का एक वर्ग, भारतीय जनता पार्टी ने 15% लाभार्थियों का एक वर्ग पैदा किया है, जो डीबीटी के माध्यम से या राशन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से एक बड़ा लाभार्थी वर्ग रहा है। लाभार्थी वर्ग को चाहिए क्या, उसको चीजें मिल रही है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं चाहता है। जमीन पे आप उतर करके जब एनालिसिस करेंगे तो लोग कहते क्या है, सब पॉलिटिकल पार्टियां अपने मुद्दे रखती हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने गाय बैल भैंस सांड सबकी खूब बातें की कि खेत में नुकसान हो जाएगा, अरहर नहीं हो रही है, मटर नहीं हो रही है, गेहूं भी नहीं होगा, भूखे मर जाओगे, ये होगा वो होगा, सारी चीजें रही। लोगों ने पलट करके जवाब क्या दिया कि ये जो गाय बैल की आज बात आप कर रहे हैं, ये गाय और बैल किसी योगी आदित्यनाथ के नहीं है, किसी अखिलेश यादव के नहीं, किसी मायावती के नहीं है, वो हमारे ही, हमने उससे दूध निकाला और आप अपना अपनी गाय आपके खेत में छोड़ दी, आपने अपनी गाय मेरे खेत में छोड़ दी, ये भी सच्चाई है। अब देखिए हिंदुत्व की पिच में दो मुद्दे हैं, हिंदुओं के लिए गाय माता है, वो कितना मानते हैं कितना नहीं मानते इस पे फिर कभी डिबेट कर ली जाएगी, लेकिन कहीं नहीं ये एक मुद्दा रहा है कि हिंदुत्व के लिए आप देखें कि भैंस और भैंसे नहीं है खेतों में, क्योंकि उनके कटने पर रोक नहीं है, गाय के कटने पर रोक है, और वो गाय किसकी है, किसी डॉक्टर रविदास की है, किसी दुर्गेश चौहान जी की है, किसी बेलाल जी की है, हमने दूध खुदवा और उसको छोड़ दिया, ठीक है। सरकार ने ऐसा नहीं कि उस पे भी काम नहीं किया, सरकार ने उस पे भी काम किया, हर जिले में 2-4-5 सेल्टर्स बने हुए हैं, 900 रुपया महीने भी दे रही थी, आप एक पशु पाल लीजिए, आवारा पशु 900 रुपया आप हमसे ले लीजिए, आधार कार्ड और आईडी जमा कर, लेकिन वो कितना सफल हुआ कितना नहीं सफल हुआ ये भी अलग डिबेट का मैटर है। मैं दो चीजें आपको बता देता हूँ, प्रो एक्टिव कास्ट जितनी भी है इनका हल्ला बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, यादव का हल्ला बहुत ज्यादा होगा, ठाकुर का हल्ला बहुत ज्यादा होगा, ब्राह्मण का हल्ला बहुत ज्यादा होगा, जाट का हल्ला बहुत ज्यादा होगा, गुर्जर का हल्ला बहुत ज्यादा। जो नॉन प्रोएक्टिव कास्ट है उनकी बात नहीं होती है, धोबी का कोई नेता नहीं, बढ़ई का कोई नेता नहीं, लोहार का कोई नेता नहीं, कुमार का कोई नेता नहीं, अगर कोई रीजनल नेता भी है तो आप बता दीजिए कि फलां कुमार का नेता। हर विधानसभा में 12 से 15 ऐसी कास्ट हैं जो हर जगह आप देखते होंगे, चौहान सर की 36 जातियों की बात होती है, 36 जाति
ही रही है, जो 70% से लेकर के 90% तक भारतीय जनता पार्टी की मतदाता रही है। इनकी संख्या हर विधानसभा में 2000, 5000, 8000, 10000, 15000 या अधिकतम 22 से 25 हजार है। जब इनको टोटल जोड़ देंगे तो एक बहुत बड़ा एक वर्ग बन जाता है, एक तरीके से वोटर वर्ग बन जाता है, जिनके पीछे कोई काम नहीं करता है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, इस समाजवादी पार्टी ने इस पूरे चुनाव में जितने भी मुद्दे उठाए किसी भी मुद्दे पे अड़िग नहीं रही। अगर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों का मुद्दा उठाया तो पहला पेज खत्म होते होते ब्राह्मणों का मुद्दा छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली की बात उठाई। आप फैक्टोरियल देखिए, जिस प्रदेश में 72% घरों में मीटर नहीं लगा हुआ है, आप 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे? ठीक है, यह सवाल बार बार पूछा गया लोगों के द्वारा कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अब जब ये मुद्दा उठा तो दूसरा एक फैक्चुअल मुद्दा और आया इसमें कि चलिए मान लीजिए कि आप अगर यह कहते कि अब तक जितने लोगों का बिल है जो 90,000 करोड़ रुपया बकाया है बिजली विभाग का, उसको मैं माफ कर दूंगा और अब से बिजली जो है वो इतने किलोवाट कनेक्शन पे सबको फ्री दूंगा। ठीक है, तो ये भी मुद्दा लोगों, गांव के लोगों ने कहा यार 300 यूनिट बिजली फ्री, यूनिट कैसे पता चलेगी कि 300 हुई कि नहीं हुई, क्योंकि वहां मीटर तो लगा नहीं। दूसरी चीज कि आप मुद्दे जब सेट करिए तो उस मुद्दे के ऊपर आप एनालिसिस कर करके सेट करिए। और तीसरी, जो योगी आदित्यनाथ के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा वो क्रेडिबिलिटी और नॉन क्रेडिबिलिटी का रहा। देखिए, आपने देखा होगा 2019 में राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया था कि हम 6,000 रुपया डालेंगे किसानों के खाते में या गरीबों के खाते में हर महीने। भारतीय जनता पार्टी पूरे साल में 6,000 रुपया डाल दिए। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास इसलिए किया क्योंकि बहुत जगह वादा करने के बाद कांग्रेस ने उन वादों को पूरा नहीं किया था। देखिए, हम और आप विशेषज्ञ हो सकते हैं, हम आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं,
रुपया रोज मिलेगा। अच्छा तब तो ठीक है, ये सरकार बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब, लैट्रिन को डॉक्टर साहब, आपको जो लब्बू लबा दिए है क्या कलेस भले ही 300 यूनिट बिजली का है, पुरानी बिजली पुरानी पेंशन वापसी की बात करें, लेकिन वो नीचे तक बात नहीं पहुंचा पाए। लेकिन हिंदुत्व पर आपने कोई डेटा नहीं बताया। बहुत जल्दी में 30 सेकंड में, क्योंकि अब अभिरंजन जी के पास जाना है और जो मुद्दा है वो केंद्र बिंदु में आज अभिरंजन जी ही है कुल मिलाकर। नो डाउट, भारतीय जनता पार्टी का पिच ही हिंदुत्व है और इसके लिए भारत की जितनी भाजपा की विपक्षी पार्टियां वो खुद के लिए खुद जिम्मेदार है। आपने चुनाव में देखा हिंदुत्व का मुद्दा किसने चला? आपने, मैं एक चीज बोलूंगा माफी के साथ, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश की कि किसी मुसलमान को मंच पे ना चढ़ाया जाए, बड़े नेता को। आपने किसी मंच पे अगर चढ़ाया हो अखिलेश यादव ने तो आप देखिएगा नहीं चढ़ाया। वो चाहते थे कि मुद्दा हिंदू और मुस्लिम ना हो, वो भी मंदिर गए, सब मंदिर मंदिर दौड़ने लगे। यह काम अगर आप पहले से करते रहते तो आपकी बीवी हिंदुत्व के लिए क्रेडिबिलिटी होती, वो भी अखिलेश यादव है वो भी हिंदू है, ऐसी बात नहीं है कि वो मुस्लिम है। लेकिन आपने क्रेडिबिलिटी को खो दिया है। मुसलमान भी देश का नागरिक है, मुसलमान भी देश का नागरिक है भाई। आप उसको अछूत क्यों बना देते हैं? क्या भाजपा की यही खूबसूरती है कि मुसलमान को अछूत बनाकर हिंदुत्व हिंदुत्व कर? यस, देखिए क्यों, देखिए उसने एक भी टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसका क्लियर स्टैंड है। क्या भाजपा ने एक भी टिकट दिया किसी मुस्लिम को? नहीं दिया। वहीं से वो मैसेज क्लियर दे देती है कि हम हिंदुत्व के पिच पे खेलेंगे और ये पिच खुद विपक्ष ने प्रोवाइड कराया है। आप भी अपनी पिच पे खेलिए, उनको भी अपने पिच पे खेलने दीजिए। अभिरंजन जी, अभिरंजन जी बदला डॉक्टर साहब आएंगे आपके पास। अभिरंजन जी, ये तो मामला बड़ा टेढ़ा है कुल मिलाकर। ये कह रहे हैं डॉक्टर अविनाश सिंह कि जो सारी स्कीम है तो भाई अब अखिलेश यादव वादा करें तो उस पर भरोसा नहीं, जबकि अखिलेश यादव 2012 से 17 तक बहुत सारे डेवलपमेंट कर चुके हैं। कन्या विद्याधन हो चाहे लैपटॉप हो चाहे साइकिल हो गोमती रिवर फ्रंट हो, हम तो देख रहे हैं कि 50-60% ऐसी योजनाएं थी जो अखिलेश यादव ने शुरू की थी और 70% होंगी और पूरा की योगी आदित्यनाथ ने। तो उस आदमी के विजन पर तो कोई सवाल नहीं उठ सकता, ठीक है। अब उस व्यक्ति का क्या गुना कि भाई ये दुकुल में पैदा हो गया और उत्तर प्रदेश की राजनीति इस तरह हो जाएगी, या उनके पिताजी के साथ मुसलमान चले गए। ये एक एक डेवलपिंग जो व्यक्ति है, एक एक विजनरी चीफ मिनिस्टर रहा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ये मेरा मत है, मैं अपना मत किसी फर्निस पे थोप नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अखिलेश यादव विजनरी चीफ मिनिस्टर है।
था उन पर लोगों ने ज्यादा विश्वास किया, क्या वजह मानते हैं? क्या ये भी हिंदुत्व का ही लबादा था? हालांकि बिलास साहब इसको हिंदुत्व नहीं मानते जी। देखिए देखिए दुर्गेंद्र जी, एक चीज मैंने अपनी पहली लाइन में कहा था कि किसी भी चुनाव में ढेर सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन हिंदुत्व वो मुद्दा है जिसके कारण बीजेपी के साथ लोग जुड़ते चले गए। जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे तो गैर यादव और गैर जाटव जो समाज है मुख्य रूप से दलितों में और पिछड़ों में, और अगले तो उसके साथ पहले से भी थे, वो सारे जुड़ते चले गए। और ये 89 से कहानी बनी है उसको तो दूसरे पैनलिस्टों ने भी बताया। तो ये चीज, दूसरी चीज मैं जो कह रहा हूँ वो मैं ग्राउंड रियलिटी के आधार पर कह रहा हूँ और राजनीति में जो हो रहा है उसके आधार पर कह रहा हूँ। वो मेरी राय है कि मैं उसको हिंदुत्व कहूँ, मैं उसको आतंकवाद कहूँ, मैं उसको साम्प्रदायिकता कहूँ, वो कहने के लिए मैं नहीं, उसके लिए राहुल गांधी है कि वो परिभाषा बताएंगे कि ये हिंदू है, ये हिंदुत्ववाद है, क्या है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात है, वो हिंदुत्व गलत है सही है उसमें मैं नहीं जानना चाहता हूँ, उस पर मेरी कोई राय नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की बात करती है मैं उस हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ, और अविनाश जी ने उसमें काफी हद तक जो है उसको क्लेरिफाई कर दिया। अगर हिंदुत्व में ड्राइविंग फोर्स नहीं है, मैं ये मेरी स्थापना ये है कि बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव में, लेकिन मेन ड्राइविंग फोर्स जो है वो हिंदुत्व है। अगर हिंदुत्व मुख्य मुद्दा नहीं है तो क्यों आज अखिलेश यादव को, जिसकी पार्टी की छवि मुस्लिम यादव पार्टी की है, मुसलमान को मंच पर चढ़ाने से परहेज करना पड़ता है, क्यों अखिलेश यादव को कभी मंदिर में नहीं जाते हुए दिखाई देते थे अब मंदिर में जाना पड़ रहा है, क्यों राहुल गांधी प्रियंका गांधी को काशी विश्वनाथ मंदिर में जाना पड़ रहा है अगर हिंदुत्व ड्राइविंग मुद्दा नहीं है तो? आप इस चीज को समझिए। तो बात ये है, और केवल इतनी सी बात नहीं है, केवल इतनी सी बात नहीं है। तो अब उत्तर प्रदेश तो मैं ये मानता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की बिलाल जी की बात के बाद मैं ये ऐड कर देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की बात करती है उस हिंदुत्व की पहली प्रयोगशाला तो मैं उत्तर प्रदेश को ही मानता हूँ। 89 में जो खेल शुरू हुआ है वो रथ यात्रा कहाँ के लिए चली थी? अयोध्या के लिए चली थी। इनके जो इसमें घोषणा पत्र में अयोध्या मथुरा काशी के मुद्दे रहे वो कहाँ कहाँ है? वो ये तीनों जगह उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो आप कहीं से ये देखिए, चाहे आप गुजरात दंगे की बात करिए, चाहे आप मुंबई दंगे की बात करिए, उसके बाद जितने सारे दंगे हुए उसका लिंक कहाँ से है? गुजरात में जो ट्रेन में कार सेवक जो थे वो कहाँ आने जाने वाले थे? वो
सुरक्षा का मुद्दा भी आएगा, वो सारे मुद्दे आएंगे, किसी भी चुनाव में रहते हैं, इस चुनाव में भी है। लेकिन मुख्य ड्राइविंग फोर्स के तौर पर जब मैं हिंदुत्व को कह रहा, आप मुझे बताइए 80-20 का मुद्दा क्या है। अगर एक 80-20 की बात की जाती है कि ये चुनाव 80-20 का है, अब ठीक है, ये सांकेतिक बात है, इसमें हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात खुले तौर पर नहीं कहेंगे, लेकिन ये 80-20 का क्या है? समझने वाले लोग समझते हैं, ये आजम खान की सरकार, ये मुख्तार अंसारी की बातें जो है उसका क्या मतलब। तो कहीं से जो है विपक्ष ने वो पिच मुहैया कराई है जैसा अविनाश जी कह रहे हैं, और बीजेपी उस पिच पर खेलती है। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि कानून व्यवस्था जो है एक बड़ा मुद्दा रहा, तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे के तार भी जाकर हिंदुत्व से जुड़ जाते हैं, हिंदुत्व की राजनीति के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे के साथ लव जिहाद जुड़ जाता है, कोई दंगा जुड़ जाता है। आप ये देखो, मतलब आप इस चीज को समझिए कि क्या हो रहा है। तो मैं किसी चीज को गलत या सही कराने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हुआ हूँ, और जो राजनीति चल रही है उसको मैं इंडोर करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं तो केवल ग्राउंड रियलिटी कह रहा हूँ, और जो राजनीति इस देश में और उत्तर प्रदेश में चल रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए मुझे कि लगातार जो ये सारे पूरे चुनाव में जितनी स्पीचेस हुई है, जितनी स्पीचेस हुई है आप उठा के देख लीजिए, तो कहीं नहीं इस बात को समझना पड़ेगा। आज समाजवादी पार्टी मेरी तो ये स्थापना है और मैं उस बात पर कायम हूँ। अगर हिंदुत्व मुद्दा नहीं है तो समाजवादी पार्टी एक ऐसा इक्वेशन बनाती है और उस इक्वेशन में
कृष्ण जी सपने में कह गए कि योगी जी जा रहे हैं, उन्होंने कहा भी पूरी कोशिश की, ऐसा नहीं है। कृष्ण जी का तो सपना आया था उन्हें, कि भाई अब
अविनाश जी ने कहा कि भाई विश्वास नहीं करे, विश्वसनीयता का संकट है, घोषणा पत्र सब क्या है, बातें सबने वही कमोवेश कही, लेकिन विश्वास किस पे हो? विश्वास की राजनीति में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और अभिरंजन जी का इशारा है कि जो मोदी और योगी ने जो हिंदुत्व के साथ में, भले ही भाजपा का हिंदुत्व हो सकता है, इस विषय पर हम नहीं जाते हैं, इस डिबेट अलग से करने की जरूरत है, लेकिन हिंदुत्व के साथ में जो विकास का जो एक तरीके से आप कहिए लाभार्थी वर्क क्रिएट करना, विकास का मुलम्मा चढ़ा दिया है ना, वो थोड़ा सा विपक्षी दलों के लिए उसे उतारना मुश्किल काम लग रहा है अभी तक। हालांकि मैं कोई दावा नहीं करता, कल अगर नतीजे बदल जाए तो मैं उसके लिए दावा नहीं करता कि भाई बहुत हम जो आधार पे बात कर रहे हैं वो एग्जिट पोल में जो धुआंधार चीजें आई हैं निकल कर उन्हीं के आधार पर बात कर रहे हैं। एक ब्रेक और ले रहे हैं यहाँ पर। जनादेश
देश वापस आ गए हैं, जो ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो कुल मिलाकर डेटा एक्सपर्ट्स अविनाश सिंह और अभिरंजन जी ने इस बात को कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो प्राइम है वो तो हिंदुत्व है ही, उससे कौन इनकार कर सकता है। हिंदुत्व की प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश, लेकिन तमाम जो लाभार्थी का एक पूरा एक वोट बैंक क्रिएट किया गया, उसके अलावा एक विकास एक्सप्रेसवे, चमाचम सड़के, बहुत सारी जो एक एक रचना की गई वो एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन साथ ही जो इन पैनलिस्ट ने ये भी इस बात को भी कहा कि दूसरे दलों के साथ विश्वास का संकट रहा, वो दूसरे दल विश्वास दिलाने में नाकामयाब रहे। मुझे अगर मैं पर्सनली कहूंगा, व्यक्तिगत रूप से कहूंगा, तो अखिलेश यादव का जो घोषणा पत्र है मुझे लगता है कि बहुत बेहतर है। 33% महिला आरक्षण की उन्होंने बात की सरकारी नौकरियों में, इसी तरीके से उन्होंने मुफ्त बिजली की बात की, जो राशन की बात हो रही है कि लोगों को कह रहे लग रहा है कि राशन मिलता रहेगा योगी और मोदी की सरकार में, तो उस राशन का भी वादा उन्होंने कर दिया कि भाई पूरे 5 साल लो राशन, निर्बाध रूप से राशन लो, जब तक मैं रहूंगा तब तक लो। युवाओं को कहा कि भाई आप 3 साल आपके जो नौकरियों में जो एज का रिलैक्सेशन भी दे देंगे, शिक्षा मित्र आशा बहने जितने भी वर्ग हैं, इस तरह के एक बड़ा वर्ग कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश तो की और कितना करते हैं। ये बात मेरे भी समझ नहीं आ रही है कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ है। बिलाल साहब के पास चलते हैं, बिलाल साहब बड़ी बारीकी से विश्लेषण करते हैं। बिलाल भाई, कुल मिलाकर क्या कहीं आपको लग रहा कि विश्वास का संकट हो गया? अभी तो खैर नतीजे कल आने हैं, कुछ भी हो सकता है, नतीजे उलट सकते हैं, लेकिन जो अभी एग्जाम्पल के आधार पर जो हमारे विशेषज्ञ हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, वो इस बात को कह रहे हैं, तो क्या विश्वास के संकट के कारण दिक्कतें आ रही हैं? बीजेपी के नंबर ज्यादा दिख रहा है, समाजवादी पार्टी के नंबर काफी नीचे दिख रहा है। देखिए दुर्गेंद्र जी, एक बार फिर मैं एक बात तो और एक विस्तार से रखना चाहूंगा अपनी बात तो, कि अगर अगर हिंदुस्तान की राजनीति में या हिंदुस्तान की या कहिए कि इस नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर अगर मुद्दों की प्रासंगिकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व के पैटर्न के साथ और मुद्दों को
पाटिल जी केजरीवाल के खिलाफ क्यों विफल हो जाती है? नंबर वन। नंबर टू, ये स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी अपनाती है, वहां उसे नीतीश का सहारा क्यों लेना पड़ता है? ये इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में क्यों चुनाव